अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे घर की मलाई से बाजार जैसा मक्खन। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने घर की मलाई ली है, तो आप डे बाय डे इसको बनाते रहें, मलाई उतारते रहें दूध से, तो ये इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो उसे आप इजीली घर में ही मक्खन बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने घर की मलाई ली है और इसको मिक्सचर की मदद से इसका मक्खन निकालेंगे। आप चाहे तो हैंड की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिक्सचर से ज़रा जल्दी निकल आता है, इसलिए मैंने मिक्सचर यूज़ किया है। ठीक है, ये देखिए। इस दौरान जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा सा बटर निकलना स्टार्ट हो गया। इसको थोड़ा सा हम रिमूव करेंगे, क्योंकि इससे हमने जो वेस्ट दूध है वो निकालना है। ठीक है, आपने वो दूध ज़ाया नहीं करना, आप इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप इसकी दही बना के उस दूध की आप कढ़ी बना सकते हैं, या कोई भी एनीथिंग आप बना सकते हैं, लेकिन आप दूध उसको ज़ाया ना करें। ठीक है, वो बहुत से कामों में यूज़ हो जाता है, जैसे डो बनाने के लिए भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो मक्खन है वो अलहदा हो रहा है और इसमें से जो दूध है वो अलहदा आ रहा है। देखिए, बहुत ही इजीली आप घर में बना सकते हैं, बाज़ार से इतने महंगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर में ही अच्छा और खालस निकल आएगा मक्खन। और आप इसे पराठे वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें से दूध निकल आया। अब हम इसको अलहदा कर लेंगे। देखिए, ये हमारा जो इसमें से दूध निकला है वो अलग है। ये देखिए जी, हमने सारा इसमें से दूध निकाल लेना है। ठीक है, ये लस्सी टाइप होता है, तो ये हम सारा निकाल लेंगे। ये वही होता है जो हम दूध से जब मलाई उतारते हैं तो साथ में दूध थोड़ा बहुत जो है वो आ जाता है। ये ख़राब नहीं होता क्योंकि फ्रीज़र में रखा होता है, इसलिए। ये देखिए, हमने इसको 2-3 बार पानी से वॉश करना है, क्योंकि इसमें से जो दूध है वो अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना है। एक बार फिर हम इसमें से करेंगे। ये देखिए, हमें ठंडा पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से हमने मसलना है, ताकि इसमें से जो दूध है वो अच्छे तरीके से निकल आए। एक बार फिर से करेंगे और इस बार हमने इसमें आइस भी डाल दिया, ताकि ये हार्ड हो जाए। ये देखिए कितना सॉफ्ट और नरम हो गया है। अब इसको बटर पेपर में ऐड कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर बाजार जैसा बिल्कुल चाहिए तो। मैं यहाँ पे जस्ट वीडियो बनाने के लिए बना रही हूँ, तो हम कलर वगैरह यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको ऐसे ही करके और इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें, इसके स्लाइस काट के दिखाती हूँ। बिल्कुल इजीली आप इसको 10 से 15 दिन के लिए घर में यूज़ कर सकते हैं, ये कहीं भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे देसी घी भी बना सकते हैं, या वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं पराठे वगैरह में, साग वगैरह में, कहीं भी किसी भी आपने रेसिपी बनानी हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। घर का खालस होता है मक्खन। आप ट्राई किया करें कि घर में ही बनाया करें, बाजार से बहुत कम ही खरीदा करें। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।